फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम शिवम चैर। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के जो भी कोर्सेज होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। बस आपको करना ये है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से, नहीं तो इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आगे सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मित्र राष्ट्रों की स्ट्रेटजी और जर्मन स्ट्रेटजी को पढ़ चुके हैं, अब आज हम रूसी स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे। मैंने यहाँ रूसी विचारक इसलिए लिख रखा है क्योंकि कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था अपना वर्ल्ड वॉर के ऊपर, तो यूट्यूब से मुझे मेल आ गया है कि आप वॉर वगैरह और ऐसे बम वगैरह की बातें आप ये चीज ना करें। तो मैंने एज ए विचारक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज नहीं करना। इसमें रशियन जो उस टाइम की स्ट्रेटजी उसको अपनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रूसी विचारकों को हम पढ़ेंगे। रूसी विचारक मैं आप पहले बता दूं आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या तो क्वेश्चन ट्रॉटस्की से आ जाएगा या आ जाएगा स्टालिन से। लेनिन को पिछली बार पूछ लिया गया, 8 साल के बाद लेनिन पे क्वेश्चन बना था पिछले साल, तो पूरी उम्मीद है मुझे ट्रॉटस्की पा सकता है या स्टालिन पा सकता है। तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, पॉइंट वाइज मैंने पढ़ाया है पूरी तरह से इसको, आपको पूरा एक पैराग्राफ बना के आपको लिखना है। मैंने बुलेट्स पॉइंट्स में समझाने की जरूरत कोशिश की है, आप इस तरह से बुलेट्स पॉइंट्स में ना लिखें, आप पैरा बना के उसको लिखें आसानी से। एक कहानी की तरह मैं पूरा बताऊंगा आपको, पूरा एकदम समझ में आ जाएगा किस व्यक्ति की सोच क्या थी, वो क्या करना चाहता था और कैसे करना चाहता था। तो हम ट्रॉटस्की को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो कहा जाए तो लेनिन ने जो मेहनत की थी रूसी क्रांति को कराने में, ट्रॉटस्की का भी इतना ही हाथ उनके साथ में रहा था। लाल सेना का गठन हुआ था, उसमें इन्होंने अपने विचार दिए थे प्रशिक्षण पर, उनका जो है गठन कैसे हो, इन सारी बातों पे, और ये लेख लिखते थे पत्रकारिता के माध्यम से। क्रांति के लिए जनमत तैयार करने की इन्होंने कोशिश की थी। दोस्तों, ये पेज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेज में मैंने दिखाया है कि लेनिन में और ट्रॉटस्की की जो सोच थी उन दोनों में अंतर क्या था। तो शुरू करते हैं। तो ट्रॉटस्की ने जो रूस की क्रांति थी उसको, उसकी जो व्याख्या है वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से की थी, मतलब रूस विश्व में अपना जो है प्रभुत्व कैसे कायम रख सकता है, हम कैसे अपने आप को अग्रणी बना सकते हैं। आगे कहते हैं कि जो रूसी इतिहास है वो पिछड़ेपन व आधुनिकता के मध्य विरोधाभास के रूप में उन्होंने दिखाया है इसको। अब लेनिन से जो है इनका डिफरेंस किस तरह से, लेनिन की तरह ट्रॉटस्की जो है वो क्रांतिकारी मध्यवर्ग की निर्भरता के सिद्धांत पर समर्थन नहीं करते हैं, जबकि लेनिन कहते हैं कि जो मध्यवर्ग है उसको तुम एकजुट करो और वही क्रांति कर देगा और उसी से जो है हम लोग सत्ता परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन ट्रॉटस्की इस बात का खंडन करते हैं, उनका मानना है कि कृषक वर्ग महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भूमिका जो है नहीं निभा सकता। तो यहां पर इनका जो है लेनिन के साथ डिफरेंस है दोनों की सोच में। लेन जो है मध्यवर्ग पे जोर देते हैं, कहते हैं किसानों का जनमत इकट्ठा करो और उसके बाद जो है क्रांति हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ट्रॉटस कहते हैं नहीं, इतना इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है मध्यवर्ग को कि वो पूरी तरह से जाके क्रांति को पूरी तरह से सफल कर सके। तो यहाँ एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ट्रॉटस्की ने उसकी लाल सेना था उसका गठन कैसे किया। तो यहाँ ये बताया गया है कि लाल सेना का जो गठन है उसका श्रेय बहुत ज्यादा ट्रॉटस्की को जाता है। ट्रॉटस्की ने लाल सेना को व्यवसायिक सेना के रूप में इन्होंने स्थापित कर दिया था इसको, क्योंकि इनकी योजना थी कि नागरी जो सेना है उसको उद्योगों, उत्पादन यूनिटों, ग्रामीण समुदाय के आधार पर स्थापित किया गया। आगे है, नागरिक सैनिकों को स्थायी ट्रेनिंग दी गई और स्थानीय स्तर पर अपने कार्य करते रहेंगे और समय समय पर युद्ध कला में भाग लेते रहेंगे। तो इनकी जो संसेना थी, तो इनका मानना था कि वो लोग जैसे गांव में ग्रामीण जैसे व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है वैसे भी व्यतीत करता रहे, और लेकिन वो एक कुशल हो, निपुण हो युद्ध कला में। लेनिन का ये था कि सबको हथियार पकड़ा दो जो है, सब इकट्ठे हो जाएंगे, कोई भी जो है फावड़ा कुदाल लेके कूद जाएगा लड़ाई करने के लिए। लेकिन इनका सोच नहीं था, ये प्रशिक्षण पे बहुत ज्यादा महत्व देते थे। कहते हैं ये ठीक है, इन सभी लोगों को हम लोग शामिल कर लें, लेकिन हम क्या करें साथ में कि कृषक हैं तो कुछ एक सेना बनाए तो उसमें क्या है, उद्योगों में लगाएं, उत्पादन यूनिट में लगाएं, और अगर नहीं करना चाह रहे सारी चीज तो ग्रामीण जीवन जो है वो लोग व्यतीत करते रहें, लेकिन जो है एक स्थायी ट्रेनिंग ले सकें, ट्रेनिंग लेके ही युद्ध लड़ने वो जाएं, इस चीज पे उनका बहुत महत्व। इसीलिए उनका है कि
जो लाल सेना का उसको व्यावसायिक सेना के रूप में स्थापित उन्होंने किया, तो ये इनकी सोच थी। दोस्तों ट्रॉटस्की की सैन्य नीति को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है अनुशासन। तो अनुशासन जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रशिक्षण आप अगर जिसको देंगे, प्रशिक्षण अनुशासन के लिए ही होता है। आप किसी को प्रशिक्षित करते हैं इसीलिए ताकि वो अनुशासन में रहे। ये बात करते हैं सख्त से सख्त अनुशासन जो है अपनाना चाहिए हमको अपनी सेना में, और जो लोग जो है मैदान छोड़कर अगर भाग रहे हैं तो उनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, और जो लोग वीरता और साहस दिखाते हैं उन लोगों को पुरस्कृत भी करना चाहिए। तो आगे बात आती है, ये जो है थोड़ा इनका सोच जो है मिलती है कौटिल्य से। कौटिल्य का भी यही मानना था, आप रेफरेंस दे सकते हैं कौटिल्य का। यहाँ पे केंद्रीय राजनीतिक नियंत्रण, आप समझदार हैं, समझते हैं कि केंद्रीय राजनीतिक नियंत्रण क्या है। वो वही मांगते थे ये कि सेना और जो सैनिक पावर है और उसके बाद में जो राजनीतिक पावर है वो दोनों हमको ही दे दो, तो हम जो है ज्यादा महान हो जाएंगे, ज्यादा शक्तिशाली हम लोग बन जाएंगे, तो ये चीज करनी चाहिए हमको। सिद्धांत का कट्टरपन वही है, सिद्धांत पर रहें, अपनी बात से डेगे नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर बात जो है यहाँ पर ट्रॉटस्की है जो भिड़ जाते हैं लेनिन से। तो ट्रॉटस्की ने जो अपने लेख लिखे हैं उसमें बहुत से उनके सैन्य सिद्धांतों से जो जुड़े हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। गृह युद्ध के समय उन्होंने सैन्य सिद्धांत दिए थे ये, और उन्होंने ये कहा था कि मार्क्स ने कभी ना तो युद्ध सिद्धांत दिए और ना ही सैनिक सिद्धांत दिए। लेकिन इस बात पर बाद में जो मार्क्सवादी थे उनकी ट्रॉटस्की जो बहुत घोर आलोचना भी करते थे, लेकिन जो है ये बात करते थे सैनिक नीति की कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी बात लेनिन ने कभी नहीं की, ये उन्होंने अपना बुलाया। तो क्या कि सिद्धांत जो होना चाहिए वो हमारा वो कट्टर होना चाहिए, हमें उससे जो है कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों लास्ट में ट्रॉटस्की पे आखिरी पेज है हमारा, तो पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ट्रॉटस्की जो है युद्ध स्ट्रेटेजी जो है उसकी अपेक्षा राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर उनका जो है अधिक ध्यान रहता है। लाल सेना के गठन, उसका चुनाव कैसे हो, आपूर्ति व्यवस्था और रूसी विधियों में जो है ट्रॉटस्की का बहुत अहम योगदान रहा है। ये लगातार लेख द्वारा अपने विचार लिखते रहते थे, लोगों तक पहुंचाते रहते थे। कुछ लोग उन्हें लाल सेना के पिता के रूप में भी जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि लाल सेना के पिता के रूप में ट्रॉटस्की को जाना जाता है। ट्रॉटस्की का राजनीतिक व सैन्य क्षेत्र में अहम योगदान रहा था रूस के लिए। तो ट्रॉटस्की पे ये हमारा यहीं तक था। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं व्लादिमीर लेनिन को। लेनिन रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, बहुत एक अच्छे सैनिक स्ट्रेटेजिक थे ये। जिस प्रकार फ्रांस में राजशाही जो थी उसको खत्म करके जनसेना ने एक नए राष्ट्र का निर्माण किया, इसी की कोशिश की लेनिन ने रशिया में, और बोल्शेविकों ने जहारशाही को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया। दोस्तों लेनिन की सैनिक स्ट्रेटजी के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है, और यहां मैं ये पॉइंट आपको बता दूंगा तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे लेनिन के बारे में। यहां लिखा हुआ है कि लेनिन का शांतिपूर्ण तरीके से शक्ति हथियाने में तनिक भी विश्वास नहीं था। वह कामगारों और खेतियारों से जबरन अधिकार करके सर्वहारा की तानाशाही स्थापित कराना चाहते थे। मतलब उनका सिंपल मोटो था, जैसे मैंने बताया था ट्रॉटस्की में और लेनिन में डिफरेंस क्या है, ये कहते थे कि भाई जो सर्वहारा है, कामगार है, खेतिहार है, सबके हाथ में हथियार थमा दो, इनको प्रशिक्षण मिले ना मिले, ये कितने भी कहीं भी जाके कैसे भी मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रशिक्षण की बात तो बिल्कुल नहीं करते। कहते हैं सबके हाथ में हथियार दे दो, बस क्रांति करा दो कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए क्रांति होनी चाहिए, और सर्वहारा जो है वो अपना एकदम निरंकुश शासन जो है चलाए उसके बाद, क्योंकि सब समान तो सब तभी होगा। लेनिन के मत में क्रांति का जो मुख्य लक्ष्य है वो पूंजीपति को उखाड़ फेंकना है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आगे के दो पॉइंट जो है हम बहुत देखते हैं। इनके मत के अनुसार युद्ध ना केवल सैनिक स्ट्रेटेजिक होता है वरन उसका चरित्र राजनीतिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक होता है। आर्थिक तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये बात इसीलिए करते हैं, बात कर दी पूंजीपति को उखाड़ फेंकने की, तो पूंजीपति को किस लिए उखाड़ के फेंकते हैं, क्योंकि आर्थिक जो हित होते हैं ना वो टकराने की बात आती है, इसीलिए कहा जाता है कि पूंजीपति को उखाड़ के फेंक दिया जाए। आए कहते हैं कि उनके अनुसार युद्ध और क्रांति के बीच अनवरत और मौलिक संबंध होता है। बिल्कुल सही है, क्रांति जो उन्होंने अपने यहाँ क्रांति कराई वो एक युद्ध युद्ध स्तर पे ही काम चला था, भले ही हमारे राज्य को कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन हमारी क्रांति जो है सफल सफल होनी चाहिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेनिन के अनुसार राज्य की जो संरचना है और सरकार की जो पद्धति है, राज्य की संरचना और सरकार की पद्धति तथा सैनिक संगठन व युद्ध के संचालन के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये एकदम सही बात है इनकी, क्योंकि ये सारी चीजें अगर मिली आपके पास हैं तब युद्ध में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। दोस्तों आगे भी लेने अपनी वही बात दोहराते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध बोला था उन्होंने कि प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, दोनों जो हैं पूंजीपतियों के जो आपसी झगड़े थे उन्हीं के कारण, यानी कि उपनिवेश कारण बने थे विश्व युद्ध होने का। तो ये पहले विश्व युद्ध की बात करते हैं, वो कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पूंजीपतियों के कारण ही हुआ था। और लेनिन सदैव गृह युद्ध को तैयार रहने की बात करते थे, बोल्शेविक क्रांतिकारियों द्वारा जो संगठन था रशिया का तो उसको एकदम पूरी तरह से पलट दिया गया बोल्शेविकों ने। साम्यवादियों के अनुसार हिंसा के बिना पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना एकदम असंभव है, अर्थात वो कहते हैं कि बुर्जुआ के विरुद्ध सशस्त्र जो विद्रोह है और युद्ध आवश्यक है, यानी कि सर्वहारा जो है वो हथियार उठाएगा, ये जरूरी है बुर्जुआ को हटाने के लिए। लेनिन के अनुसार युद्ध क्रांति का आपस में अनवरत और मौलिक संबंध है, जैसे हम पीछे बताया था मैंने। अगला है लेनिन के अनुसार राजनीतिक सत्ता पर अधिकार किए बगैर सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग को पराजित नहीं कर सकता, अतः आवश्यक है कि संपूर्ण राज्य को सर्वहारा शासन में परिवर्तित कर देना चाहिए। अच्छा कुछ लोग नए होंगे तो सर्वहारा और बुर्जुआ सुन सुन के उनको पता नहीं क्या लग रहा होगा, ये पता नहीं क्या बवाल आ गया। तो देखिए सर्वहारा वर्ग जो है उसकी डेफिनेशन जो होती है वो उनकी उस टाइम की सोच में जो लोग थे वो कहते थे कि जो कामगार हैं, ठीक है, जो डेली की मजदूरी करते हैं, किसान को भी मानते हैं वो सर्वहारा में, तो वो एक ऐसा पक्ष है जो मध्यम से भी नीचे है या मध्यम है, ठीक है, कुछ लोग मध्यम तक मानते थे कुछ मध्यम से नीचे मानते थे। लेकिन जो बुर्जुआ वर्ग है एलिट क्लास है जो शासन कर रहे हैं बड़े बड़े जमींदार हो गए, इनको बोलते थे बुर्जुआ वर्ग, जो बड़ा वर्ग होता था उसको बुर्जुआ वर्ग बोलते थे और जो छोटा वर्ग होता था उसको सर्वहारा वर्ग, मतलब सर्वहारा मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, सर्वहारा सब कुछ अपना हारा हुआ है, वो किसके हाथों, बुर्जुआ वर्ग के हाथों। तो ये हल्की सी डिफ्रेशन है, ये आप इसको याद रखें। दोस्तों लास्ट पेज है लेनिन के ऊपर, तो लेनिन यही कहते थे कि क्रांति के समय जरूरी नहीं कि हमें सफलता ही मिले, हम असफल भी हो सकते हैं, हमारा राज टूट सकता है, संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन कभी भी हमको अपना जो है मनोबल टूटने नहीं देना चाहिए, परिणाम जैसा भी हो हमें स्वीकार करना चाहिए और आगे की तैयारी हमको लगातार करती रहना चाहिए। 1917 की रूसी क्रांति से 1945 तक लेनिन ने अपने देश को शक्तिशाली बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, लेनिन का बहुत बड़ा योगदान है रूसी क्रांति को कराने में और उसके बाद रूसी को विश्व पटल पर लाने के लिए। तो ये आखिरी जो था ये लेनिन के ऊपर था। अब हम स्टालिन को देखते हैं। दोस्तों जिनका फोटो हम देख रहे हैं इनका नाम है स्टालिन। सोवियत युद्ध सिद्धांत और सैन्य इतिहास में स्टालिन का बहुत महम योगदान रहा है। सोवियत संघ को इन्होंने एक कृषक देश से उठाकर ये ले गए और एक औद्योगिक देश इन्होंने बना दिया लोगों की सहायता से, लोगों को जागरूक करके। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं हम। दोस्तों स्टालिन ने अपनी राजनीतिक व सैन्य कुशलता का परिचय देते हुए 20 विभिन्न राष्ट्रीयताओं को एक झंडे के नीचे लाकर एक सशस्त्र सोवियत संघ की स्थापना की। ऐसा करने वाले स्टालिन थे, इनका बहुत अहम रोल था इसमें। स्टालिन ने जब रूस को कृषक शक्ति से एक महान औद्योगिक शक्ति में परिवर्तन करने की आवश्यकता का अनुभव किया तब उन्होंने समग्र युद्ध के लिए संपूर्ण राष्ट्र को तैयार किया, साथ ही सैन्य क्षमता का विकास किया जिससे हम पूंजीपतियों से लड़ाइयां कर सकें। स्टालिन का मानना था कि युद्ध में आक्रामक कार्रवाई ही विजय आपको दिला सकती है, कोई भी स्ट्रेटजी तभी सफल होती है जब उसके पीछे संपूर्ण राष्ट्र की आर्थिक नीति, सभी संसाधन और मानव शक्ति आपका समर्थन करे। ये बात जो सारी बातें कर रहे हैं यही नहीं, सारी चीजों को हिटलर ने एक टाइम सारी चीजों पर काबू पा लिया था, सब कुछ उसके अंडर में था, वो जो चाहता था वो करना चाहता था वो करता था उसी चीज को, लोगों को अगर भूख लग रही है तो उसकी जगह नहीं, वो जो उसको अच्छा लगता था वो उसको कैप्चर करता था, वो उस संसाधन को यूज करता था और जो चाहे वो करना चाहता था। तो यही चीज स्टालिन की थी कि सभी लोग, इनका ये था कि ये लोगों पर हक नहीं जताते थे, लोगों से सपोर्ट मांगते थे कि आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपके लिए ये सब करके देना है। स्टालिन ने नाजियों के विरुद्ध देश की संपूर्ण जनता का जो मनोवैज्ञानिक रूप से उनको तैयार किया, उनका मनोबल बढ़ाया कि हम सब एकजुट होकर रहें, नहीं तो हमें आगे जो है बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी। वहां नाजी जो शक्ति है वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर रही है, हमें भी अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए।
स्टालिन ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए संपूर्ण राष्ट्र को समग्र युद्ध के लिए तैयार करने होते हर संभव प्रयास जो वो कर सकता था उसने किया, जिससे वह उपनिवेशवादी जो दो और जो लोग जो पूरी दुनिया जिस तरह से थी, रूस एक तरह से पूरा जो उसका स्ट्रक्चर था वो राजनीतिक वो पूरी तरह से अलग था और पूरी दुनिया जो थी एक तरह से अलग थी। रूस ने कभी भी उपनिवेश कहीं जाके स्थापित नहीं किए थे, बाकी सारे जो देश थे उनकी लड़ाइयां ही उपनिवेश पे हो रही थी। हाँ, आसपास के जो राज्य हैं वो जीतने की कोशिश जरूर हर राष्ट्र कर रहा था, क्योंकि चाहता था कि उसका क्षेत्र जितने से ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा से ज्यादा जगह वह अपना प्रभुत्व कायम रख सकता है, अपने आप संसाधनों का यूज करके अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है। तो लड़ाइयां उस टाइम चल रही थी, तो स्टालिन ने इन्हीं सारी चीजों को चिताया, अपने लोगों को बताया कि नाजी शक्ति जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, हमें भी अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। दोस्तों, स्टालिन ने छापामारी शैली का बहुत एक सफल प्रयोग किया रशिया में, और वो कहते थे कि ये भौगोलिक परिस्थितियां हमारी जिस तरह की हैं हमारे लिए ये बहुत अनुकूल भी है। स्टालिन ने रूसी क्रांति के सिद्धांत को तीन चरणों में बांटा। वो प्रथम चरण कहते हैं 1903 से 1917 का था, जिसमें जारशाही की जो है समाप्ति की। द्वितीय चरण आया तो मार्च 1917 से अक्टूबर 1917 था, जिसमें रूसी साम्राज्यवादी जो है शासन रहा। तीसरा है अक्टूबर 1917 से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही तब से स्थापित हो गई। स्टालिन सदैव चाहता था कि सोवियत संघ एक स्वीकृत राष्ट्र बने जो अपने दुश्मनों से निर्भीक होकर उसका सामना कर सके, उनसे लड़ सके। इसी चीज पर जो है स्टालिन समय समय पर अपने लोगों का मनोबल बढ़ाता रहता था। 1936 में स्टालिन ने सैनिक भर्ती जो है 18 से 40 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य कर दी थी। ये एक तरह से पूरी तरह से अब घूम के आ गए थे नेपोलियन की तरफ। नेपोलियन ने भी ये किया था कि अनिवार्य सैनिक भर्ती कर दी थी, तो इन्होंने जो है 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है उसको सेना में जो है भर्ती होना अनिवार्य है। यूरोप में जर्मनी की बढ़ती हुई आक्रामक गतिविधियों को देखकर स्टालिन ने युद्ध की जो तैयारी थी पहले से ही शुरू कर दी थी, और स्टालिन ने जनता के मनोबल को रेडियो और पत्राचार के माध्यम से हमेशा जो है उच्च बनाए रखा, जिसका लाभ बाद में रशिया को बहुत ज्यादा मिला। स्टालिन का एक वक्तव्य है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से पहले, तो वो आप ये है कि रूस कामगारों व किसानों का देश है, चारों तरफ से पूंजीवादी राष्ट्रों से घिरा हुआ है, इसलिए हमें हर समय मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, स्टालिन पे आखिरी पेज है ये। जब जर्मनी ने 1941 में रूस पर हमला किया तब जर्मन सेना तेजी से रूस के अंदर घुस तो गई, लेकिन बाद में जब वहां की परिस्थितियां उसमें नहीं भा पाई, वहां बहुत ज्यादा ठंड थी और सारी चीजें जो हैं बदलती चली गई, जैसे टाइम के साथ में वहां पर ठंड लगातार बढ़ती चली गई, जिससे जो है जर्मन सैनिक उस स्थिति में जो है अपने आप को ढाल नहीं सके, वो उनके लिए बहुत परेशानी और दुखदायी हुआ। स्टालिन ने सभी संसाधनों को स्वा करने की स्ट्रेटेजी फिर बाद में अपनाई और जर्मन सेना को भूख पर मरने के मजबूर कर दिया। उन्होंने जो जितना संसाधन था, जैसे खेत हो गए कहीं अनाज का या और भी सारी चीजें जो हो गई खाने की जितनी भी, तो सारी चीजें जो है जनता से कहा कि आप इसको एकदम समाप्त कर दीजिए, जो भी है आप जो छुपा के स्टोरेज अपना थोड़ा बहुत करना चाहें अपने लिए कर सकते हैं, और अपने देश को बचाने के लिए आपको ये सारी चीजें जो है करनी पड़ेंगी। फिर वही है, फिर वो लोग खाते क्या। तो बाद में यही हुआ, जर्मनी को ये बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और अंत में युद्ध जो है निर्णायक हुआ। जर्मनी के 15 लाख सैनिक तो भूख से ही मर गए और बाद में जो बचे थे उनको जो है जो स्टालिन की बहुत बढ़िया रीति उन्होंने छापामार युद्ध शैली जो अपनाई थी, इनके जर्मन्स के खिलाफ जो भाग रहे थे उनको मारा ढूंढ ढूंढ के। और स्टालिन का रूस की राजनीति में बहुत ज्यादा योगदान इसी तरह रहा और सैन्य विशेषज्ञ के रूप में कुशल राजनीतिक इनको माना जाता है। अच्छा, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जब बात बताऊं तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो मोल्डेन जो मैंने पढ़ाया था कि जो उनकी बात मानी गई, जर्मन कमांडर थे, तो हिटलर ने उनकी बात को माना कि हमको पहले रशिया को जीतना चाहिए, ठीक है। इन्होंने रशिया पे आक्रमण कर दिया। कुछ टाइम बाद में क्या हुआ कि रशियंस में जो रशिया में क्या वो उसमें रूसी जो क्रांति हो गई, ठीक है। तो जब रूसी क्रांति वहाँ 1917 में या जो 1917 और 1918 का जो टाइम था उसके टाइम में जो है उस टाइम हो गई, तो रशिया क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हो गया। ये चीज हुई कैसे, जर्मन्स ने जब आक्रमण करना शुरू किया, ठीक है, रूस पे, तो रूस का जो राजनीतिक ढांचा था वो कमजोर होना शुरू हो, क्योंकि जर्मनी इतनी पावर में था उस टाइम कि अकेले रूस की बस की बात नहीं थी कि वो उसको जीत ले, उसको हरा पाता। और वही बात है कि आपके अंदर कुशल
कुशलता इतनी हो, राजनीतिक कुशलता इतनी अच्छी होनी चाहिए, कूटनीतिक होना चाहिए, या आपका मनोबल, आपकी जनता आपके सपोर्ट में हो, क्योंकि रूस में तो वैसे ही क्रांति होने को थी, तो जनता सपोर्ट में जाए सवाल ही नहीं उठता। तब जो रूसी लोग होते थे वो जर्मन जो सेना जाती थी उसका इतना उन्होंने सहयोग किया कि अगर उनके पास में उनको ठंड लगती थी तो उनके लिए और भी जो कपड़े होते थे वो उनको देते थे लोग वहां के, और उनको भूख लगती थी तो जो सेना गुजरती थी उनको राशन पानी खाना पीना सब कुछ देते थे। मतलब रशियन ने एक तरह से सपोर्ट किया था और उनसे कहा था कि तुम हमारी आज़ादी के लिए हमारे यहाँ आ रहे हो। तो सोच रहे एक देश में इतना बदलाव चला गया 20 साल के बाद, तो बदलाव किसने दिया? स्टालिन ने दिया। वही बाद में वही लोग जो लोग 20 साल पहले थे वो ये कह रहे थे कि जर्मन्स आप आओ, आप हमारी आज़ादी के लिए आ रहे हो, वो जो रशियन थे वो 20 साल में इतना बदल गए कि स्टालिन ने जब उनको अपने अंडर में लिया, स्टालिन ने बताया, राष्ट्रीयता की भावना जब उनके अंदर जगाई कि हमको अब क्या करना चाहिए, अब जर्मन जब हम पे आक्रमण कर रहे हैं, तब उन्होंने उसी खाने को उनको देने से मना कर दिया और उस खाने को नष्ट कर दिया। खुद भी भूखे रहे लेकिन अपने दुश्मनों को उस खाने का यूज नहीं करने दिया। तो इस तरह की राष्ट्रीय भावना जो थी एक व्यक्ति जगा सकता है किसी भी देश में, स्टालिन ने ये करके दिखाया।